welcome you all in our channel doctor agriculturist i am devendra Chaudhary. in this video we are going to discuss about downy mildew of grapevine this is for the course diseases of field and horticultural crop and their management 2 downy mildew of grapevine is caused by plasmopera viticola symptom irregular yellowish translucent spots on the upper surface of the leaf on lower side of the spots downy or cottony growth of the fungus can be seen symptoms appears on all aerial and tender part of the vine सिम्टम्स आर मोर प्रोनाउंसड ऑन द लीफ यंग सूट्स एंड इमेच्योर बेरीज इन्फेक्टेड लीब्स सूट एंड द टेंड्रिल्स आर कवर्ड बाय वाइटिस ग्रोथ ऑफ द फंगस डॉर्फिंग ऑफ द टेंडर सूट अकर्स बट देयर इज नो क्रैकिंग ऑफ द स्किन्स ऑफ द बेरीज सो इसके सिम्टम कैसे दिखाई देते हैं अगर हम अपर सरफेस में देखेंगे तो येलो कलर के ऑयली स्पॉट्स दिखाई देते हैं और अगर हम इसी स्पॉट्स के लोअर साइड में देखेंगे तो हमें कॉटनी ग्रोथ दिखाई देता है फंगस का मतलब वहाँ पर फंगस का ग्रोथ रहेगा वो ऐसा दिखाई देता है कि कॉटन के लिन्स वहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन वो फंगस के पार्ट्स होते हैं और ये जो सिम्टम्स हैं वो लिप्स में यंग सूट्स में और इमेच्योर बेरीज में आते हैं कैसे दिखाई देता है इसमें व्हाइट कलर का फंगस का ग्रोथ दिखाई देता है लेकिन इसमें क्रैकिंग नहीं होती है सो याद रखने वाली बात है कि डाउनी मिल्ड्यू के कारण फ्रूट्स में क्रैकिंग नहीं होती है लेकिन पाउडरी मिल्ड्यू के कारण फ्रूट्स में क्रैकिंग होती है और पाउडरी मिल्ड्यू में ऐसा लगता है कि सरफेस में पाउडर प्रेजेंट है लेकिन इसमें फंगस का थिक ग्रोथ दिखाई देता है आगे बढ़ते हैं ईटियोलॉजी प्लाज्मापेराविटिकोला बिलोंग टू सब डिविजन मेस्टिगो माइकोटीना यह एक लोअर फंगस है और फैमिली है पेरोनोस्पोरेसी सो मेस्टिगो में तीन फैमिली है अल्बुजिनेसी पिथीएसी और पेरानोस्पोरेसी जितने भी डाउनी मिल्ड्यू फंगस हैं वो पेरेनोस्पोरेसी को बिलोंग करते हैं माइसीलियम हाईलाइन होता है सीनोसिटिक होता है मतलब इसके माइसीलियम में सेप्टेशन नहीं होता है और न्यूक्लियस कुछ दूरी में ऐसे प्रेजेंट होते हैं ब्रांच्ड सो हॉस्टोरिया माइसीलियम ब्रांच्ड होते हैं इंटरसेलुलर होते हैं ये दो सेल के बीच में प्रेजेंट होते हैं और इसमें नोब सेप का हॉस्टोरिया प्रेजेंट होता है ऐसे टाइप के हॉस्टोरिया होता है जो कि पौधे से न्यूट्रिशन को एब्सॉर्ब करने का काम करता है स्पोरेंजियो फोर ब्रांच्ड होता है एट राइट एंगल सो ये है इसका स्पोरेंजियो इस फोर यहां पर जो ब्रांचिंग है वो राइट एंगल में है ऐसे जब ब्रांचिंग होती है जब 90 डिग्री का एंगल बनता है उसे कहते हैं राइट एंगल ब्रांचिंग सो इसमें आप देख सकते हैं ये जो ब्रांचिंग हुई है वो राइट right एंगल में हुई है नब्बे डिग्री के कोण में हुई है इस फोर में स्पोरेंजिया बनता है जो कि हाई होता है सिंगल सेल्ड होता है लेमन सेप का होता है और जर्मिनेशन के बाद जूस पोर्स बनाता है इसका जूस फोर्स कैसे होता है बाई फ्लेजिलेड जैसे ये जूस पोर्स है इसमें दो फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं एक फ्लेजिला विप्लेस जैसा होता है कोड़े होता है और दूसरे फ्लेजिला में हेयर लाइक -like स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे टेंसल फ्लेजिला कहते हैं बाद में इसमें उस पोर्स भी बनता है उस पोर्स सिंपल होते हैं डबल वॉल्ड होते हैं और स्पेरिकल होता है इसका डायमीटर 28 से 40 माइक्रोमीटर का होता है ठीक है डिजीज साइकिल डिजीज साइकिल में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा याद रखना है वो है कि पैथोजन का सर्वाइवल कहां हो रहा है प्राइमरी इंफेक्शन किसके द्वारा और कहां पर हो रहा है सेकेंडरी स्प्रेड कैसे हो रहा है ठीक है सो so, डाउनी मिल्डू का सर्वाइवल होता है एज अस और माइसियम इन इंफेक्टेड डेबरिस एंड इन्फेक्टेड पार्ट या इन्फेक्टेड डेबरिस क्या होता है कोई भी इन्फेक्टेड पार्ट जो कि प्लांट से अलग हो गया है वो क्या कहलाएगा इन्फेक्टेड डेबरिस प्राइमरी इंफेक्शन प्राइमरी इंफेक्शन उस फोर्स के द्वारा होता है सेकेंडरी स्प्रेड यह स्पोरेंजिया के द्वारा प्रोड्यूस्ड जूस फोर्स के कारण होता है इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं पैथोजन कहां सर्वाइव कर रहा है प्लांट डेब्रिस में और इन्फेक्टेड पार्ट्स में उस फोर्स और माइसिलियम के रूप में सो अगले सीजन में यह माइसिलियम स्पोरेंजिया बनाएगा स्पोरेंजिया से जूस पोर्स बनेगा और यह जूस इंफेक्शन करेगा और ये ऊस पोर्स इसमें जर्मिनेशन होगा जर्मिनेशन के बाद जैसे ये ऊस पोर है उस पोर में जर्मिनेशन होता है जर्मिनेशन के बाद स्पोरेंजिया बनता है स्पोरेंजिया के अंदर में जूस पोर्स बनते हैं और ये फिर इन्फेक्शन करते हैं फिर सिम्टम डेवलप होता है लिप्स में बेरीज में सिम्टम दिखाई देता है प्रोडक्शन ऑफ स्पोरेंजिया फिर से स्पोरेंजिया बनता है ये स्पोरेंजिया पोर्स बनाते हैं और ये विंड रेन और वाटर के द्वारा दूसरे प्लांट्स में जाते हैं और इन्फेक्शन करते हैं इसे सेकेंडरी इंफेक्शन साइकिल कहते हैं बाद में ये सर्वाइव करते रहते हैं इन्फेक्टेड पार्ट्स में तो ये हो गया डाउनी मिल्ड्यू का लाइफ साइकिल आगे बढ़ते हैं फेवरेबल कंडीशन मतलब ऐसे कौन से कंडीशंस में डिजीज ज्यादा मात्रा में आती है तो वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी अब 80 परसेंट टेम्परेचर इन बिटवीन 23 थ्री टू ट्वेंटी डिग्री सेंटीग्रेड और इस पोरेंजिया के जर्मिनेशन के लिए 10 टू 23 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए होता है मैनेजमेंट वी शुड अडॉप्ट इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाइक रेगुलेटरी मेजर्स वी शुड द मूवमेंट ऑफ प्लांटिंग मटेरियल एट रीजनल नेशनल और इंटरनेशनल लेवल सो दैट वी कैन मैनेज द डिजीज जैसे दो स्टेट हैं एक स्टेट में डिजीज प्रेजेंट है दूसरे में एबसेंट है तो गवर्नमेंट को रूल लगाना चाहिए कि जहां पर डिजीज प्रेजेंट नहीं है वहां प्लांटिंग मटेरियल ऐसे जगह से इंपोर्ट नहीं करना है जहां पर डिजीज प्रेजेंट है और जहां पर डिजीज प्रजेंट है वहाँ से किसी भी प्रकार से प्लांटिंग मटेरियल को एक्सपोर्ट होने से रोकना है सो रेगुलेटरी मीज़र्स फार्मर के हाथ में नहीं होता है ये गवर्नमेंट का काम है कल्चरल प्रैक्टिस सैनिटेशन जितने भी इन्फेक्टेड पार्ट्स हैं उन्हें ऑर्च से रिमूव करके जला देना चाहिए वेल ड्रेन सॉइल जो सॉइल है उसमें अच्छी तरीके से ड्रेनेज फैसिलिटी होनी चाहिए उसमें पानी जमा नहीं होने देना है गुड एयर मूवमेंट हमें रेगुलर ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग करनी चाहिए जिससे कि ऑर्चर्ड में हवा अच्छे से मूव कर सके बायोलॉजिकल कंट्रोल एक बैक्टीरिया है अर्विनिया हर्बी इसका हमें यूज करना चाहिए और स्प्रे करना चाहिए हमारे अपने ऑर्चर्ड में यह देखा गया है कि अर्विनिया हर्बी के कारण से 75 परसेंट डिजीज कंट्रोल हो जाती है ठीक है फाइव स्प्रे आप केमिकल्स फाइव स्प्रे आप केमिकल्स लाइक फोस्टाइल एल्यूमिनियम जीरो पॉइंट टू परसेंट मेटाल एक्सिल जीरो पॉइंट टू परसेंट और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सो इन केमिकल का हमें पांच बार स्प्रे करना चाहिए और उसका एक शेड्यूल है वो इस प्रकार है पहला स्प्रे प्रोनिंग के बाद दूसरा स्प्रे प्रोनिंग के तीन से चार वीक के बाद तीसरा स्प्रे जब बड़ ओपन हो रहा है उस समय चौथा स्प्रे जब बेरी बन रहा है उस समय और पांचवा स्प्रे सूट्स के ग्रोथ के समय अगर हम इन केमिकल्स को इस प्रकार से स्प्रे करेंगे तो ऑर्चर्ड में बीमारी बहुत कम मात्रा में आएगी और इकोनॉमिक लॉस बहुत कम होगा तो इतना था डॉनी मिल्डूआप ग्रेप वन के बारे में to download lecture notes in pdf format please join my telegram channel to join my channel either you can scan this qr code or you can search doctor underscore agriculturist in telegram if you find this video useful so like and share my videos with your friends and please subscribe to my channel Thank you for watching this video. Happy reading and keep improving yourself.